भाई सबकी आईडी बनेगी हंगर स्टेशन के लिए, चाहे वो हाउस ड्राइवर हो या आमिल हो, चाहे आईडी रिएक्टिवेट करना हो, चाहे नई आईडी का रजिस्ट्रेशन करना हो, फ्री में, बिल्कुल फ्री में अपने ही मोबाइल से खुद बनाना है। इसके लिए आज इस वीडियो में सब डिटेल में पूरा सब बताऊंगा मैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि हंगर स्टेशन की आईडी को रिएक्टिवेट कैसे करना है, नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। चाहे वो आमिल का काम हो या हाउस ड्राइवर का काम हो, 100% सबका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा इस वीडियो में, वो भी बिल्कुल फ्री। सबकी आईडी बन जाएगी, चाहे हाउस ड्राइवर हो या आमिल का काम हो, सब काम कर सकेंगे हंगर स्टेशन के साथ जो भी करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ 5 से 7 मिनट की, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप कोई भी वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की आईडी जिनकी बंद हो गई है, जो छुट्टी गए हैं वापस आए हैं तो फिर आईडी बंद होगी, चालू नहीं हो रही है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, 1 महीने 2 महीने की छुट्टी गए, छुट्टी से वापस आए तो फिर आईडी बंद हो गई है। तो उनकी आईडी को कैसे खोलना है वो बताता हूँ सबसे पहले मैं। तो सबसे पहले आपको हंगर स्टेशन एप्लीकेशन ऑन कर लेना है। यहाँ पे आएंगे आप, नीचे लिखा है राइडर सपोर्ट, राइडर सपोर्ट पर टच करने के बाद फिर आपका ये एक एप्लीकेशन खुलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ ऊपर प्लस का आइकॉन पर आप टच करेंगे तो नीचे देखेंगे आप सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट में आप लिख देंगे आईडी रिएक्टिवेट या रिएक्टिवेट आईडी, ऐसा लिख देंगे। उसके नीचे टाइप लिखा है, फिर आपको टाइप में जाना है, ऊपर लिखा है रिएक्टिवेटिंग अकाउंट, वहाँ पर आपको टच करना है। उसके बाद फिर नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको याद रहे कि इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में आपको ये लिखना है कि मैं मतलब इंडिया या पाकिस्तान मुल्क चला गया था, अपने 2 महीने के बाद वापस आया हूँ, तो वापस आने के बाद आईडी मेरी बंद है, इनएक्टिव है, तो प्लीज़ इसको रीएक्टिवेट करें आईडी को, मैं फिर से हंगर स्टेशन के साथ काम करना चाहता हूँ। ये सब आपको इंग्लिश में लिखना है, अगर आपको लिखना नहीं आता है तो इंग्लिश में किसी दोस्त यार से लिखवा लें या फिर वीडियो को जूम करके देखें। जैसे जैसे मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ, जो भी मैं लिख रहा हूँ सेम वही आपको लिखना है, इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें से वीडियो को स्टॉप करके देख लें आप, जो जो मैं लिखा हूँ वही इसमें सब लिखना है, जैसे जैसे मैं लिखा हूँ। 1 मिनट इसको कंप्लीट होने दें। यहाँ पे सब लिख दिया हूँ मैं, नीचे आप देखेंगे सबमिट लिखा है, तो आपको जाके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका ये जो एप्लीकेशन है ये हंगर स्टेशन के पास पहुँच जाएगा, फिर वो आपकी आईडी चेक करके रिप्लाई देगा। तो अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं उन लोगों की आईडी जिनकी बंद हुई है काम करते करते हैं। काम करते वक्त जिनकी आईडी बंद हुई है वो कुछ ना कुछ गलती ज़रूर किए हैं, इसके लिए आईडी बंद हुई है, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। राइडर सपोर्ट में जाके आपको क्या मैसेज करना है वो सब पूरा डिटेल में दिखाऊंगा, तो जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही जाके आपको सब मैसेज कर देना है। और अगर ये जानना चाहते हैं कि कौन सी गलती आप किए हैं कि आईडी क्यों बंद हुई है, तो इसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जाके वीडियो आप देख सकते हैं, जो हंगर स्टेशन का नया अपडेट है उस पर वीडियो बनाया था, उसको आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, और देख लेंगे तो फिर दोबारा वो गलती करेंगे भी नहीं, तो दोबारा आईडी बंद भी नहीं होगी। और जिनके भी आईडी पे *400 या 600 लगा है उसके बाद बंद हुई है तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, उसको खोलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको हंगर स्टेशन एप्लीकेशन ऑन कर लेना है, उसके बाद यहाँ आप जहाँ सेटिंग दी रहती है वहाँ साइड में देखेंगे नीचे राइडर सपोर्ट लिखा है, तो राइडर सपोर्ट पर टच करना है। उसके बाद एक एप्लीकेशन खुलेगा, ऊपर प्लस का आइकॉन दिया वहाँ पर टच करना है। उसके बाद सब्जेक्ट रह दिया, सब्जेक्ट में लिखना है रिएक्टिवेट अकाउंट, रिएक्टिवेट अकाउंट लिखने के बाद नीचे आप देखेंगे टाइप लिखा है, तो टाइप पे जब आप क्लिक करेंगे ऊपर लिखा रहेगा रिएक्टिवेटिंग अकाउंट, वहाँ पे जाके आपको टच करना है। फिर डिस्क्रिप्शन में आपको माफ़ीनामा एक लिखना है, हंगर स्टेशन के लिए एक माफ़ीनामा होता है, उसमें आपको सब एक्सप्लेन करना है, सॉरी बोलना है, रिक्वेस्ट करना है हंगर स्टेशन से कि दोबारा गलती नहीं होगी कोई, मैं फिर से काम करना चाहता हूँ हंगर स्टेशन पे, यही सब आपको लिखना है और वो भी इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद जब हंगर स्टेशन का रिप्लाई आएगा उसमें अगर कुछ वैसा दिखेगा, मतलब
आईडी रिएक्टिवेट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, बार बार ये 7-8 बार करना है, एक ही दिन में 100% चालू हो जाएगी। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं नई आईडी रजिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आमिल का, जिनका अकाम है उनकी आईडी कैसे रजिस्टर करनी है। हाउस ड्राइवर वाले इस पे ना करें, गूगल से डायरेक्ट जाके करनी है। मैं वो सब करके दिखाता हूँ अपने मोबाइल में कैसे आपको रजिस्टर करनी है। इसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिनको इंग्लिश मालूम है जो अपने मोबाइल से खुद ही कर सकते हैं फ्री में, और दूसरे वो लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं मालूम है। तो जिनको इंग्लिश नहीं मालूम हो वो अगर किसी दोस्त यार से अपने करवा सकते हैं तो करवा लें, नहीं तो फिर लास्ट में दूसरा तरीका मैं बताता हूँ उनको कैसे करना है। तो सिंपली आप लोगों को गूगल में जाना है, गूगल में जाके टाइप करना है हंगर स्टेशन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद सर्च मारेंगे। सर्च जब करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे दूसरे नंबर पर लिखा है हंगर स्टेशन राइडर्स, तो हंगर स्टेशन राइडर्स पर जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं सिलेक्ट योर सिटी लिखा है। इसमें जो भी सिटी है आपकी, जैसे मैं मदीना से हूँ तो यहाँ पे मदीना डाल दूँगा। आप जो भी सिटी से है वो सिटी का नाम यहाँ पे डालेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे नीचे लिखा है चूज़ योर व्हीकल, चूज़ योर व्हीकल पे आपको करना है, चाहे वो कार पे चाहे बाइक पे, आपके जो भी हो तो कार या बाइक जो भी हो कर लेंगे। फिर यहाँ आप डालेंगे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद यस नो पे कर देना है, ये फुल टाइम या पार्ट टाइम जॉब आपको करना है वो पूछ रहा है। इस पे करने के बाद एग्री करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट जब करेंगे तो उसके बाद आगे का खुलेगा, तो आगे जो भी है आपका वो गाड़ी का पिक्चर और गाड़ी का इस्तेमाल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका एकामा सब मांगेगा, तो वो सब भर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। जब पूरा सबमिट कर देंगे अप्लीकेशन तो उसके बाद टाइम रहता है 72 घंटे का, 3 दिन का टाइम रहता है। 3 दिन के अंदर में वो आपका आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा हंगर स्टेशन का, आपको उसमें वो यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र नेम तो मोबाइल नंबर ही रहता है, पासवर्ड हंगर स्टेशन खुद भेज देगा आपके पास, तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में तो इसमें छेड़छाड़ मत करना। जो हाउस ड्राइवर लोगों के लिए जो मैं आइडिया बताया हूँ उसमें जाके आप कर लेंगे तो 100% काम हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं उन लोगों की जो हाउस ड्राइवर में हैं, हाउस ड्राइवर से हंगर स्टेशन में काम करना चाहते हैं, और वो आमिल वो लोग हैं जो जिनको इंग्लिश नहीं मालूम है, जो अपने से रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हाउस ड्राइवर वालों को क्या करना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए, गाड़ी का इस्तेमाल, गाड़ी आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एकामा और गाड़ी का इंश्योरेंस हो, तभी आपके बनेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है तो फिर मुश्किल है बनना, इसीलिए डॉक्यूमेंट अगर पूरा है तो आपकी आईडी 100% बन जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए आप सबको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे मेरे प्रोफाइल पे, आपको प्रोफाइल में फॉलो करना है, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा एक, तो उस नंबर पे मैसेज करना है हंगर स्टेशन आईडी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो उस पे मैसेज करेंगे तो आपको वो रजिस्टर करके देगा, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसको वो डॉक्यूमेंट में मांगेगा, तो डॉक्यूमेंट आप उसके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे तो वो आपको आईडी रजिस्टर करके दे देगा। अब बात करते हैं वो लोग की जो हंगर स्टेशन में फ़िलहाल काम कर रहे हैं, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों। उन लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे ऑर्डर पिकअप और ड्रॉप ऑफ करने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उन पर कस्टमर कंप्लेंट डाल देता है। तो ये सब पूरा डिलीवरी का जो प्रोसेस है, पूरा ए टू जेड पूरा फुल प्रोसेस करके मैं दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में। और चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।